हे गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल और मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। Hi everyone, welcome back to my channel. This is Fashion Your Chetna. In this video, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ तीन easy quick hairstyle जो कि सभी के बालों में easily बन सकती है, जिनके बाल पतले हों या मोटे हों। और ये तीनों जो hairstyle मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो मैंने अनुष्का शर्मा से inspired होके ही ये तीनों hairstyle बनाना सीखी है और बहुत ही easy और quick है, बहुत सुंदर दिखती है। किसी भी festival season के लिए या college going girl है तो वो hairstyle बनाना चाहती है कुछ अलग, तो बहुत सुंदर दिखती है। तो guys मेरे video के साथ में continue रही और देखिए कि मैंने यहाँ पे कौन कौन सी हेयर स्टाइल बनाई है। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। सो गाइस मेरे वीडियो के साथ में कंटिन्यू बनी रही है और देखिए कि मैं यहाँ पे कौन कौन सी हेयर स्टाइल आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये हेयर स्टाइल जो है वो स्ट्रेट बालों पर अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप लोगों के स्ट्रेट बाल हो तो आप लोगों को पहले उन्हें थोड़ा सा वेवी हेयर बना लेना है, चाहे आप कर्लर की हेल्प से करें या किसी की भी हेल्प से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं करूँगी अपने आगे की हेयर को, जिसको आप फ्लिक्स बोल सकते हैं, ये मेरी लॉन्ग फ्लिक्स है, उनको हल्का सा ट्विस्ट करके पहले पार्टीशन किया, देन हल्का सा ट्विस्ट किया। अब मैं एक पिन की हेल्प से इन्हें सिंपल स्टिक कर दूंगी। ये बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल है, आप देख सकते हैं कितना सिंपल हेयर स्टाइल है। ये अनुष्का शर्मा का ए दिले मुश्किल का हेयर स्टाइल है। तो आप जब इस हेयर स्टाइल के साथ में लॉन्ग झुमकीज पहनते हो और स्मोकी आई बनाते हो और लाइट लिपस्टिक का लुक करते हो तो ये हेयर स्टाइल बहुत ही खूबसूरत लगता है। स्पेशली ब्लैक ड्रेस या कोई भी डार्क कलर की ड्रेस आप वेयर करते हो तो ये बहुत बहुत सुंदर दिखता है। आप देख सकते हैं कितना सिंपल हेयर स्टाइल है पर कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। नेक्स्ट हेयर स्टाइल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें आपको सिंपल आपके हेयर को बीच में से दो पार्टीशन कर लेना है। एकदम क्लियर मांग आपको करना है, बीच में कोई हेयर नहीं रहने चाहिए, एकदम अच्छे से पार्टीशन करना है। उसके बाद में आपके साइड की हेयर को थोड़ा सा लेना है और उसके अगेन थ्री पार्टीशन करने के बाद, जैसे कि हम प्लेट्स बनाते हैं, जैसे कि हम ट्विस्टेड प्लेट्स बनाते हैं, उस तरीके से आपको इसको बना लेना है। ऑलमोस्ट 8 to 9 ट्विस्ट लेने हैं तीन पार्टीशन के, पतली पतली चोटी बनानी है और आपको ईयर तक ही चोटी बनानी है, फुल आपको नहीं ट्विस्ट करना है इसको। हाफ ट्विस्ट करने के बाद में आपको जो है पिन से इसे अगेन स्टिक कर देना है साइड में। अब मैं इसे पिन की हेल्प से स्टिक कर दूंगी इस तरीके से। सेम तरीके से मैं अपनी दूसरी साइड पर भी इसी तरह के ट्विस्ट करके और पतली चोटी बना के हाफ, और उसे मैं अगेन पिन की हेल्प से स्टिक कर दूंगी। मैं पिन की हेल्प से इसे भी स्टिक कर दूंगी। अब आप देख सकते हो लुक कितना अच्छा लग रहा है। आप इस तरह का लुक आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो तो आप रेडी कर सकते हो, साथ में एक बिंदी लगाओगे तो बहुत ही खूबसूरत लुक लगता है। तो झुमकी भी आप वेयर कर सकते हो इस लुक के साथ में, बहुत बहुत सुंदर दिखेगी। अगेन थर्ड लुक जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ उसमें आपको साइड पार्टीशन करना है, देन उसके बाद में आपकी आगे की फ्लेक्स को अलग सेपरेट कर लेना है इस तरीके से, और उन्हें अच्छे से कॉम कर लेना है। उसके बाद में जो आपके रिमेनिंग हेयर रहते हैं उनको आपको सिंपल पोनी बनानी है, ब्लैक रबर बैंड जो भी आपका पतला वाला हो उसे आपको यूज़ करना है और आपको एक पोनी बना लेनी है।
रबर बैंड लगाने के बाद में आपको रबर बैंड को थोड़ा लूज़ करना है। रबर बैंड को लूज़ करने के बाद में आपको आपकी पोनी के टू पार्टीशन करने हैं इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। उसके बाद में जो नीचे पोनी है उसको उस पार्टीशन के अंदर डाल देना है। देन आपको जो है आपकी पोनी को टाइट कर लेना है अच्छे से इस तरीके से जैसे मैंने किया है। उसके बाद में जो आपके रिमेनिंग हेयर हैं आगे के, जो हमने रिमेनिंग हेयर छोड़े थे ट्विस्ट करने के लिए, अब मैं उन हेयर को ट्विस्ट करूंगी। हल्की हैंड से ही आपको करने, लाइट फिंगर लेना है एकदम, और इनको ट्विस्ट करना है। और ट्विस्ट करने के बाद में आपको जो है आपके रबर बैंड के चारों ओर इस ट्विस्ट को लगा देना है जिस तरीके से मैं लगाऊंगी। और लास्ट में जो ट्विस्ट का एरिया बचता है उसको आपको पिन की हेल्प से उसे स्टिक कर देना है जैसा कि मैं करूंगी। इस तरीके से राउंड किया, देन स्टिक कर दिया। और आपको उसके बाद में आपकी पोनी को ऊपर के हेयर के जो ऊपर जो पोनी है उसको आपको थोड़ा लूज़ करना है ताकि आपका हेयर का लुक थोड़ा ब्यूटीफुल दिखे। ये हो गया मेरा लुक रेडी। सो गाइज, ये था मेरा हेयर स्टाइल का वीडियो। ये बहुत ही सिंपल और इजी क्विक मेथड है हेयर स्टाइल बनाने का। आप लोग भी इसे ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि आप लोगों को मेरे ये हेयर स्टाइल का वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि आप लोगों की फ्रेंड्स को भी हेल्प हो सके। सो गाइज, चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ। बाय बाय गाइज।